नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं स्वाति। हमारे संतो ऋषियों ने तीन मार्ग ज्ञान, भक्ति और कर्म बताए हैं, लेकिन तीनों मार्ग के संगम थे परम पूज्य ब्रह्मालीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज। बचपन से ही विद्वान वैराग्य की वृत्ति 9 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया, लेकिन महान देशभक्त भी थे। ज्ञान पिपासा तो शांत की है, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया। 19 माह जेल में रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि उन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण के लिए और वह भारतीय सनातन संस्कृति के माध्यम से ही हो सकता है, उसके लिए पूरा जीवन समर्पित किया। वह दीन दुखियों, दलितों और शोषितों के लिए वह पूरे जीवन भर कार्य करते रहे, चाहे वह झारखंड विश्व कल्याण आश्रम हो या अलग अलग राज्यों में जनजातियों के कल्याण के कार्य हो, वह जीवन भर कार्य करते रहे। चिकित्सालय, विद्यालय, सांस्कृतिक पाठशाला और अनेक सेवा के कार्यों का उन्होंने सदैव संचालन किया। समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, गोरक्षा जैसे विषयों पर उन्होंने सदैव देश को जगाने का कार्य किया। अध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। उनके चेहरे का तेज, वाणी का ओज उनके ब्रह्मालीन होने के बाद भी सदैव दिखाई देता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ परमहंसी में ब्रह्मालीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समाराधना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित कई नेताओं ने समाधि स्थल पर पूजन किया। मुख्यमंत्री समेत सभी नेताओं ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती, निज सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद सरस्वती का आशीर्वाद लिया। परमहंसी में देश के विभिन्न स्थानों में श्रद्धालु, अति विशिष्ट लोगों, जनप्रतिनिधियों का आना हो रहा है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ ही यहां करीब 500 जवानों का बल सुरक्षा में तैनात किया गया है। तीन मार्ग हमारे संतों ने, ऋषियों ने बताए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम थे परम पूज्य ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज। बचपन से ही उद्भट विद्वान, वैराग्य की वृत्ति, 9 साल की आयु में ही घर छोड़ दिया, लेकिन महान देशभक्त भी थे। ज्ञान पिपासा तो शांत की ही उन्हें, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया। 19 महीने जेल रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए। उन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण के लिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के माध्यम से ही वो कल्याण हो सकता है, उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। वो दीन दुखी और दलितों के लिए, स्वस्थों के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहे, चाहे झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम हो या अलग अलग राज्यों में जनजातियों के कल्याण के काम हो, वो सदैव करते रहे। चिकित्सालय, विद्यालय, संस्कृत पाठशाला और अनेक